हमारे चैनल कैरियर वर्ल्ड एजुकेशन हब ऑनलाइन मैथ सपोर्ट को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस जब डाले जाएं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सारे सॉल्यूशंस के वीडियोस आपको यहां मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त तो मेरे बहुत सारे मोटिवेटिव और एजुकेशनल, फिर बहुत सारा आपको स्टडी का भी मटेरियल यहाँ मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट्स भी हैं, इसमें भी आप आके देख सकते हैं, हमारे वीडियोस वॉच कर सकते हैं। चलिए आइए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10th एग्जामिनेशन में पूछे गए मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव पोर्शन का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन किया है मैंने और फुल एनालिटिक सॉल्यूशन को दिया है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सिटिंग्स। सो डैट आप देखिए वीडियोस को अंत तक देखिए और देखिए कि किसका आंसर किस हिसाब से किया गया है, ताकि मैं पूरे जिस ऑप्शन को मैं रंगूंगा उसका बिल्कुल बताऊंगा कि ये ऑप्शन मैंने क्यों मारा है, क्यों चुना है, और आप इसे देख के संतुष्टि प्राप्त कर सके कि मेरा चलो इसमें इतना मार्क्स आ रहा है, चलिए। तो बिल्कुल एक चीज और, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो बिल्कुल आप वीडियो को डिसलाइक करें। बिल्कुल एकदम ऑनेस्टली, कुछ नहीं कि ऐसा नहीं कि राहुल सर हमेशा आते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो आप वीडियो को डिसलाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आइए तो शुरू करते हैं आज का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सेकंड सिटिंग में पूछे गए क्वेश्चन का, आज जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के मैथमेटिक्स में सेकंड सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन है, जिसका मैं फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए संख्या रेखा जो होता है, जो वास्तविक संख्या के लिए खींचा जाता है, तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, तो 1 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए उसी का दशमलव प्रसार शांत होगा जिसका हर यानी कि बेस जो है, जो 2 और 5 का पूरा ओनली 2 और ओनली 5 का एकदम फैक्टर हो, तो 700 भी सिर्फ 5 और 2 का फैक्टर नहीं है, इसमें 7 एक फैक्टर निकल आएगा, और 91/21 में जो हमारा है उसमें भी हमारा 21 का एक फैक्टर 7 निकल आएगा, फिर 3 भी निकल आएगा, फिर आप ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में भी यहाँ 7 एक फैक्टर है, सो डैट ऑप्शन नंबर डी सुटेबल ऑप्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पूर्ण वर्ग है जो 16, 20 और 24 से पूर्णतया विभाज्य होगा? तो वो है पूर्ण वर्ग 3600। पहला बता देना चाहता हूँ कि ए और सी यहाँ वर्ग है ही नहीं, 240 और 2400 दोनों वर्ग नहीं है, वर्ग ओनली बी और डी है, सो डैट और जो बी हमारा है वो 24 से डिविजिबल नहीं है, सो डैट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए निकालना पड़ेगा आपको, कैसे निकाल सकते हैं? बोल रहा है कि महत्तम और लघुत्तम और महत्तम का जोड़ 600 है, तो आप एक को एक्स मान ले और एक को 14x मान ले, ओके, आप एक को x मान ले और एक को 14x मान ले, अब दोनों का जोड़ 600 करें तो x का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे ही x का वैल्यू निकलेगा x हमारा हो जाएगा महत्तम और लघुत्तम हो जाएगा 14x। अब बोल रहा है एक संख्या इतना है, तो हम सब जानते हैं कि लघुत्तम और महत्तम का जो गुणनफल होता है वो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, तो आपको जो x का वैल्यू आएगा और 14x का वैल्यू आएगा उसको गुना करके 280 बटा में करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा, 4 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे ये देखिए, मैंने पिछले में भी सॉल्यूशन किया था, बताया था कि ये किस तरह से होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 23.43 का रेकरिंग में जब आप पॉइंट उड़ाएंगे तो आपको नीचे में 100 होगा, और चूंकि ये डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ पे आ गया है 4 रेकरिंग, तो डैट मीन्स कि एक घटेगा, तो 100 में से एक गया तो 99, इतना में ही हो गया ऑप्शन है। बट और मैं बता देना चाहता हूँ, फिर इसमें 2343 में फिर रेकरिंग के पहले वाली संख्या 23 घट जाएगी, तो 2320 यानी 2320/99 ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके शून्य अल्फा बीटा, इसमें कुछ नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लगाइए -b/a, और अल्फा इंटू बीटा फार्मूला लगाइए प्लस c/a लगाइए, दोनों में ही आपको -3 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए दोनों बराबर होगा। अगला है, रैखिक समीकरण का कितना युग्म होगा? देखिए इसका एक युग्म होगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, तो एकल युग्म ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। देखिए ये बहुपद है क्योंकि x का जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी x का जितना पावर है पॉजिटिव इंटीजर है, एक यहाँ भी x का जो पावर है जो पॉजिटिव इंटीजर डेट मीन्स कि धनात्मक पूर्ण संख्या, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में x नीचे चला गया जिसकी वजह से ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को तो आपको आएगा -1, ये कुछ नहीं है एक सिंपल इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन आएगा, -1 आएगा आपको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो है इसका HCF क्या होगा, तो 6 और 12 का HCF 6, x पर पावर 4 और x का HCF x और y का HCF y, तो डेट क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 10 का डी। अगला क्वेश्चन है इसमें एक्स वाई का पेयर कौन होगा, तो 2 और -1, ये देखिए कैसे होगा 173 दुना, आप ऐसे भी कर सकते हैं और कोई भी ऑप्शन इसमें सुटेबल नहीं है, 173 और गुना 2 और -100 और बाकी किसी में भी नहीं होगा, 3 * 9 अगर ये पुट करते हैं तो 3 * 9 और 7 * 2 = 14 है ना, 9 में से 4 जाएगा तो 5 होना चाहिए और कोई भी सुटेबल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आप सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके मूल समान है तो ए का वैल्यू, देखिए ए का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा 0 और एक वैल्यू आएगा हाफ, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि द्विघातीय बहुपद के लिए ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ए अगर 0 के बराबर हो गया तो ये द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं, सो डैट ए का जो सुटेबल वैल्यू है वो हाफ होगा दोनों इक्वेशन को सॉल्व, इक्वेशन के दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग। अब ये तो हल्का है, 64 का वर्गमूल 8 और 64 का घनमूल 4, इन दोनों के बीच का रेशियो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पिछले में भी मैंने बताया था कि एक्स पर पावर एन, पिछला सेट में भी था कि एक्स पर पावर एन प्लस वन और एक्स प्लस वन, इसमें आप कब ये डिविजिबल होगा, कब गुणक होगा, जब एन एक विषम संख्या। अगला क्वेश्चन है इसको जब आप गुना करोगे तो 150 आएगा, 150 मतलब 25 × 6, 25 √5 और 6 √6 नहीं निकलेगा। इसको भी मैंने पिछले, ये भी पिछले सेट का है, इसको भी मैंने सॉल्व किया, इसका भी आंसर 1/3 आया था, आपको देखना है तो आप पीछे जाकर सॉल्यूशन देख सकते हैं पिछले सेट 1 के सॉल्यूशन में। ये जो हमारा है ये सॉल्व करने पर इसमें क्या है, कुछ नहीं है, कॉस से आप डिवाइड कर दीजिए, कॉस स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए, फिर टेन स्क्वायर का एक सिंपल व्यंजक बनाइए, टेन का वैल्यू आपको दे देगा 30, इधर मैंने किया था 10 का कुछ वैल्यू आया था, 10 का वैल्यू 30 आया था, तो 30 उसके बाद यहाँ पे 30 पुट कर दिया गया, sec 30 का वैल्यू 2/√3 और cosec 30 का वैल्यू 2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए cos थीटा ऊपर sin थीटा नीचे 3/5, अब cos का वैल्यू आप 3 डाल दीजिए और sin का वैल्यू 5 डाल दीजिए, 5 × 5 = 25 में से 9 गया, 3 * 9 गया तो 16 और 4 × 5 = 20 और + 9 = 29, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ एक्स रेडियन का वैल्यू 180/π होगा, है ना, पाई रेडियन का वैल्यू 180 होता है, तो एक्स रेडियन का वैल्यू 180/π होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तो कुछ नहीं है, 15 का 75 और 20 का 70, ऐसे पेयर बना के एक एक वैल्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, वो है कि सूरज की किरण का झुकाव, ये तो मैंने पिछले इसका भी सॉल्यूशन किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें, 25 × 3 + √3, इसका भी एक इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बोल रहा है, ये भी पिछले सेट का क्वेश्चन है, इसमें है कि जब छाया और मीनार बराबर हो जाए तो 45 डिग्री, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो छाया मीनार बराबर तो π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मीटर खंबे की ऊंचाई इतना है तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा, या आप ऐसे ही इसको सॉल्व करके बना सकते हैं, देख भी सकते हैं, टेन 30 यहाँ पे टेन थीटा तो 6 / √3 तो √3 आएगा, है ना, 6 को 2√3 √3 बार का काट देगा तो √3 देता है 10/60 में। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से रॉन्ग है, मेरे अपने हिसाब से, मेरा ये देखिए पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बट मेरे अपने हिसाब से ये क्वेश्चन रॉन्ग है, मैंने पिछले सेट में जो बताया है कि ये क्वेश्चन किस तरह से रॉन्ग जा रहा है तो आप वहाँ पे जाके देख ले, वहाँ पे बिल्कुल मैंने इसको एनालाइज किया है कि किस तरह से ये क्वेश्चन रॉन्ग जा सकता है, सो डैट 24 का मैं कोई भी ऑप्शन रंगूंगा नहीं, इसमें कोई सुटेबल ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, 75 ऐसे इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है, आप देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25, दो मीनारों की ऊंचाई, इसको भी आप कुछ नहीं, सिंपली आप सॉल्व कीजिए, आपको ऐसे ही आ जाएगा 3:125 का ऑप्शन नंबर ए। सॉल्यूशन चाहिए तो पिछले जाइए, पिछले सेट में इसका सॉल्यूशन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये बिल्कुल ऐसे, देखिए लंबवत है x - 1 जो है जो नीचे गया ऐसे इधर, और x + y + 4 जो है जो ऐसे आया, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के लंबवत,
इसमें कुछ नहीं है, दूरी आप कुछ किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। दूरी सूत्र का इस्तेमाल करें, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करने पर आपको तीन भुजाएं आएगी, एक पाँच, एक चार और एक तीन, तीनों को जोड़ दीजिए, पाँच चार नौ, तीन बारह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो है इसमें के का वैल्यू पूछ रहा है, माइनस टेन आएगा, कुछ नहीं है। झुकाव यानी ये ढाल से बनेगा क्वेश्चन, बाई टू माइनस बाई वन बट एक्स टू माइनस एक्स वन से बना लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, माइनस दस। अगला क्वेश्चन है इसका कटान बिंदु क्या है, जो दिख रहा है एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू वही कटान बिंदु होगा, माइनस टू और थ्री। अगला क्वेश्चन है सरल रेखा इतना से अक्षों के बीच कुछ नहीं करना है, जीरो जीरो करके पाँच और तीन लाना हो गया, पाँच या पंद्रह बटा दो, हाथ गुने आधार गुने ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे देखिए, इसको मैं एनालाइज करके बताता हूँ कैसे होगा। ये देखिए एंगल ए, यहाँ आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी, तो ये दोनों जब बराबर है तो ए बी ए सी बराबर। फिर जब इस क्वेश्चन को आप ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, तो दिस बटा दिस इज इक्वल टू दिस बटा दिस। तो पहले उधर से मैंने देखा तो क्या हुआ था, ए बी बराबर ए सी हुआ था, और इधर से बी सी बराबर ए बी होगा, डेट मीन्स इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर है, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है ये तो बिल्कुल ईजी है, दो दो और छः यानी कि कहने का मतलब है चौगुना का अंतर है इसमें और टोटल में चौगुना का अंतर है। देखिए छः दो आठ, तो इसमें और टोटल में चौगुना का अंतर है, तो इसमें और टोटल में चौगुना का अंतर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दो त्रिभुज समरूप हैं, नौ तीन, तो ये कुछ नहीं है, समरूप है तो भुजाओं का जो भुजाओं के वर्गों का अनुपात संगत क्षेत्रफलों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है एक सरल रेखा को खींचने में के बिंदु आवश्यक है, तो के का मान देखिए, किसी भी सरल रेखा को खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु होने चाहिए, तो के का वैल्यू यहाँ दो मारा मैंने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि दिए गए चित्र में डी पैरेलल बी सी, ए डी बराबर दो सेंटीमीटर, डी बी बराबर तीन सेंटीमीटर और ए ई बराबर 1.6 सेंटीमीटर, तो इसी का वैल्यू होगा, कुछ नहीं, देखिए कितना हल्का है, दो और तीन, दो और तीन यानी कि डेढ़ गुना का अंतर, तो यहाँ 1.6 तो 2.4 होगा, डेढ़ गुना का अंतर। अगला जो है इसमें कितना डिग्री होगा, तो 132 डिग्री होगा, इसको आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। 12 घंटे में 360 डिग्री की का कोण तय करता है, तो एक घंटे में 30 डिग्री का है ना, तो एक घंटे में 30 डिग्री का, डेट मीन 60 मिनट में 30 डिग्री का, तो एक मिनट में हाफ डिग्री का, ठीक है। अब 4 घंटा 24 मिनट में कुल मिला के हमारा हो जाएगा 164 मिनट, तो 264 मिनट, तो 264 मिनट का आधा 132 मिनट यानी कि 132 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब, ये लंब केंद्र कहलाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, देखिए बाहर से छुएगा इस तरह से, सॉरी ये सटा के बनेगा, बाहर से छुएगा इस तरह से, तो तीन स्पर्श रेखा, एक यहाँ उभयनिष्ठ और दो और, तो तीन स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हैं। पी क्यू आर एक्स एक समांतर चतुर्भुज है, तो आई थिंक इसमें विषमकोण चतुर्भुज होना चाहिए, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, बट विषमकोण चतुर्भुज ही होगा, आप इसको नेट पे जाके आप सर्च कर लें क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कुछ नहीं है, देखिए कितना इजी है, ये देखिए इसको उभयनिष्ठ आप मान लीजिए, उभयनिष्ठ जीवा एस आर को, तो इसका वैल्यू 30, तो इसका भी वैल्यू 30, क्योंकि आप जानते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा द्वारा जो भी परिधि पर कोण बनाया जाता है वो इक्वल होता है, तो ये उभयनिष्ठ जीवा ने यहाँ 30 बनाया, तो इसी उभयनिष्ठ जीवा ने यहाँ भी 30 बनाना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 80 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल वक्रपृष्ठ एवं सतह पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 5:1 होगा, कुछ नहीं, इजी है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। बेलन एवं शंकु के वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो आयतन का अनुपात कुछ नहीं क्या होगा, तो बस कुछ नहीं, बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, 9:8 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है घन का आयतन इतना है, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल, देखिए घन का आयतन इतना है तो 14 आएगा, इसका भुजा आएगा 14, तो 14 का स्क्वायर 196, फिर 196 को 6 गुना करना है ना, तो 1176। अगला 43 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का कुछ नहीं, 8 का क्यू 512/1 512, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखले गोले का जो आंतरिक व्यास है, आंतरिक और बाह्य व्यास इतना है, इसको गलाकर एक, तो कितना होगा इसका, 14 होगा आंसर, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 संप्राकृत संख्याओं का माध्य 11 होगा। अगला क्वेश्चन है तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को ओवरलैप्ड होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए, माध्यिका में अंतर इसमें होता है माध्य माइनस बहुलक, यानी माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
उछालने पर कम से कम इस टाइप का क्वेश्चन भी है, कम से कम एक हेड, तो एक हेड यहाँ एक दो तीन, 3/4 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक थैले में 6 काले एवं 8 उजले गेंदे हैं, कोई भी गेंद आकस्मिक रूप से निकाले जाता है तो उजला होने की प्रायिकता 8/14 यानी 4/7 ऑप्शन नंबर बी। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियोज़ लाता रहूँ, और मैं और भी सॉल्यूशन दूंगा हिंदी और संस्कृत का भी, तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।